हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की ये वीडियो गेमर्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि ओप्पो की तरफ से आने वाली एक न्यू फ़ोन के बारे में बात करेंगे। तो पिछले महीने ओप्पो ने अपने K10 4G वेरिएंट को रिलीज़ किया था, जो कि ओप्पो की अफोर्डेबल फ़ोन है, और ये स्मार्टफोन यंग कंज्यूमर के नीड पर फोकस किया गया है। पर न्यू लीक्स के हिसाब से ओप्पो इस फ़ोन की 5G वेरिएंट को जल्द ही इंडिया में लेकर आने वाला है, और चाइना की ऑफिशियल साइट में ऑफिशियली रजिस्टर्ड भी हो चुकी है, जिससे पता चलता है कि ये ओप्पो K10 4G की तरह अफोर्डेबल फ़ोन नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक फ्लैगशिप किलर फ़ोन होगा, जो कि IQ और Xiaomi की हाई एंड फ़ोन को आमने सामने टक्कर देने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं ओप्पो K10 5G की कन्फर्म्ड स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। पर उससे पहले, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो लीक्स के हिसाब से ओप्पो K10 5G डायमेंसिटी 8000 मैक्स चिपसेट के साथ आने वाला है, और साथ ही लीनियर एक्स मोटर भी लगाया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो डायमेंसिटी 8000 मैक्स की परफॉर्मेंस लगभग इक्वल है स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट के कंपेरिजन पे, और ओप्पो K10 4G के स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट इसके सामने बहुत ही कमज़ोर नज़र आता है। डायमेंसिटी 8000 मैक्स के कारण बहुत लोग ओप्पो K10 5G की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन बाकी फ़ोन की स्पेसिफिकेशन भी कुछ कम नहीं है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.5 इंच की फुल HD प्लस LCD पैनल मिलेगा, जो कि 1080p की रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। बट इस प्राइस पे कंपेटिटर की AMOLED डिस्प्ले के सामने LCD डिस्प्ले उतनी अच्छी डिस्प्ले नहीं है। और कैमरा की बात करें तो टोटल 4 कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें एक 16 मेगापिक्सल की पंच होल कटआउट फ्रंट कैमरा होगा, और पीछे की साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 64 मेगापिक्सल की मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमरा दिया जाएगा। और लुक्स के मामले में भी यूनिक डिज़ाइन होगा, जो कि ओप्पो K10 4G की तरह ही होगा, और फ़ोन की डिज़ाइन सिंपल होगा, और पावर बटन पे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा, और फ़ोन को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए इस फ़ोन पे वेपर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। और ये फ़ोन हमें 2 वेरिएंट में मिलेगा, 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेगा। और साथ ही सॉफ्टवेयर की बात करें तो Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स बेस्ड ऑन ColorOS 12 की स्किन देखने को मिलेगा, और बैटरी इस फ़ोन में लगभग 5000 mAh की होगी, जो कि 67 वाट तक की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। और कनेक्टिविटी के लिए इस फ़ोन पे Wi-Fi 6C, Bluetooth 5.3, GPS, Type-C पोर्ट और हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा। ओप्पो K10 5G पोको F3 GT, जो कि इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल गेमिंग फ़ोन है, उसे आसानी से टक्कर दे देगा, और साथ ही IQ9SE को भी टेक डाउन कर सकता है। और ये फ़ोन हमें टोटल 2 कलर में देखने को मिलेगा, आइस ब्लू और डार्क नाइट। तो फाइनली अब प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें तो ओप्पो K10 5G के प्राइस अराउंड 25,000 से लेकर 35,000 रुपये के बीच हो सकता है, और 24 अप्रैल को चाइना में इस फ़ोन को लॉन्च किया जाएगा, और इंडिया की लॉन्च डेट की कोई भी खबर अभी तक नहीं आई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करने ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, अभी के लिए टेक केयर, गुड बाय।